हेलो दोस्तों, आज मैं मुकुल अग्रवाल यहाँ पर आपके लिए एक नंबर सिस्टम लेके आया हूँ, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिना पेन पेंसिल के यहाँ पर नंबर सिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, टू प्लस अंडर रूट में, फिर टू प्लस, फिर अंडर रूट में प्लस, और ये चीज़ इसी तरीके से कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। और आपसे पेपर में पूछा जाता है, बच्चों इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में टू प्लस टू प्लस अंडर रूट, ऐसे करते करते ये अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में क्या देखना है, उस नंबर को उठाना है जो अंदर लिखा हुआ है। अब इस नंबर का आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। और वो गुणनखंड कैसा होगा, जिनका अंतर आपके पास एक होगा। तो बच्चों, दो का गुणनखंड क्या होगा कि उनका अंतर एक आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, दो गुना एक करेंगे। तो यहाँ पर इनका अंतर हमारे पास क्या होगा, एक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो यानी इसका पूरे का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, दो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, छः प्लस अंडर रूट छः प्लस अंडर रूट छः, ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया। और ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो नंबर उठाना पड़ेगा जो अंदर लिखा हुआ है, और उस नंबर का आपको गुणनखंड करना है जिनका अंतर एक आ जाए। तो छः का गुणनखंड यानी फैक्टर आपको करना है। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो छः का ऐसा गुणनखंड फैक्टर करना है जिनका अंतर एक हो। तो छः किसके पहाड़े में आता है, दो तिया छः आता है। तो और इनका अंतर कितना आता है आपके पास, एक आता है। अब बच्चों, आपको क्या देखना है कि यहाँ पर साइन कैसा है, तो साइन प्लस का है। तो यानी आपको यहाँ पर कौन सी संख्या उठानी पड़ेगी, बड़ी संख्या उठानी पड़ेगी, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अगर माइनस की बात करते हैं, तो आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा, अंडर रूट में दो है, फिर माइनस इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, आपको ये वाला दो उठाना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा कि जिनका अंतर कितना हो जाए हमारे पास, एक हो जाए। ठीक है, तो दो गुना एक, तो इनका अंतर कितना हमारे पास, एक है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको साइन देखना पड़ेगा कि साइन कैसा है, माइनस का है। तो यानी माइनस का है तो आपको छोटी संख्या उठानी पड़ेगी, तो इसका आंसर कितना होगा, एक होगा। ये आप बिना पेन पेंसिल के भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जैसे सात की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सात के लिए मैं ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सेवन प्लस अंडर रूट में सेवन, और फिर सेवन, और इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको सात का ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा कि जिनका अंतर क्या हो जाए, एक हो जाए। तो ऐसा हमारे पास कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सात से आने वाली संख्या, सात से आगे की संख्या देखनी पड़ेगी। तो सात से आगे की संख्या कौन कौन सी है, आठ है, नौ है, दस है, ग्यारह है, बारह है। और आपको इस तरीके से लिखते जाना है, और ये देखना है कि किनका गुणनखंड आपको अंतर में एक देता है। तो चार का गुणनखंड कितना होगा, चार गुना दो, क्या ये आपको अंतर एक दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये वाला आंसर गलत। फिर नौ का देखना पड़ेगा, नौ का गुणनखंड कितना होता है, तीन गुना तीन, क्या इसका अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत है। दस का अंतर कितना, दस का गुणनखंड कितना होगा, पाँच गुना दो, क्या ये अंतर एक दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वाला गलत। ग्यारह का गुणनखंड कितना होगा, ग्यारह गुना एक, क्या ये अंतर एक दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो गलत। बारह का गुणनखंड कितना होगा बच्चों, तो बारह का गुणनखंड कितना होगा आपके पास, चार गुना तीन, तो यानी इसका अंतर कितना आ रहा है आपके पास, एक आ रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चार एवं तीन के मध्य, या आप लिख सकते हैं तीन एवं चार के मध्य होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, तीन एवं चार के मध्य आप लोग इसका आंसर यहां पर बता सकते हैं। तो आई होप बच्चों, ये वाले न्यूमेरिकल यहां पर आपको इस तरीके से समझ में आया।
अगर एक और हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे हैं, जैसे आपके पास है अंडर रूट में थ्री प्लस, फिर इसी तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पर तीन का गुणनखंड करना है, और ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसका अंतर कितना आ जाए, आपके पास एक आ जाए। तो आपने इस तीन को उठाया और इसका गुणनखंड कर देखा कि क्या इसका अंतर एक आ रहा है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि तीन का गुणनखंड करने पर उसका अंतर एक मिल सके। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अब इससे ऊपर की संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइन कैसा है, प्लस का है। तो यहाँ पर एक चार आएगा, एक पाँच आएगा, एक छः आएगा, ऐसे ही एक सात आ सकता है। तो आपने चार का गुणनखंड करके देखा, दो गुना दो, क्या अंतर एक मिला, नहीं मिला तो गलत। पाँच का गुणनखंड करा, पाँच गुना एक, अंतर नहीं मिला एक, तो ये वाला भी गलत। छः का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो दो तिया छः आपके पास, और इसका अंतर एक, तो अंतर एक आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा 2 एवं 3 के मध्य, यानी 2 एवं 3 के मध्य इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नई ट्रिक के साथ।